दुनिया आने वाली जनरेशन के सबसे बड़े खिलाड़ी है ऋषभ पंत, क्योंकि जितने भी लेजेंडरी क्रिकेटर हैं वो आईपीएल से पहले ये सोचकर चल रहे थे कि ऋषभ पंत अगर वापसी करेंगे, कमबैक करेंगे तो क्या विकेट कीपिंग कर पाएंगे, क्या बैटिंग कर पाएंगे। लेकिन अब जिस लेजेंडरी क्रिकेटर ने यू टर्न लिया ना, ये मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। बिल्कुल, और यहाँ पे बात हम कर रहे हैं जाहिर खान की। उन्होंने जो है हाल ही में इंटरव्यू में अपने एक स्टेटमेंट दिया है ऋषभ पंत को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा, नो डाउट अबाउट ऋषभ पंत बीइंग पैक्ड इन द स्क्वाड, आई एम हैप्पी विद हाउ ही इज प्रोग्रेसिंग। व्हेन द क्वेश्चन वाज पोस्ड टू मी बिफोर द आईपीएल, आई वाजंट दैट कॉन्फिडेंस, एस्पेशली विद हिम अवे फ्रॉम द गेम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल, अब ऋषभ पंत न सिर्फ विकेट कीपिंग शानदार कर रहे हैं बल्कि बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। और जहां तक कप्तानी की बात है, जो युवराज सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था बहुत साल पहले कि फ्यूचर कैप्टन के तौर पर मैं ऋषभ पंत को देखता हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है सारी चीजें फिलहाल जो है वो पंत के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और जाहिर खान ने ये भी कहा है कि अगर आप किसी ऐसे विकेट कीपर की तलाश में है जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी अच्छे से कर सके, तो ऋषभ पंत पे आके आपकी खोज जो है वो रुकती है, क्योंकि एक ऐसे प्लेयर है जो दोनों ही काम बहुत ही अच्छे से कर बातें। और मैं आपको बता दूं कि उनका पुराना स्टेटमेंट जो था वो क्या था, उन्होंने पहले क्या कहा था, तो उनका कहना था, इफ यू सी ऋषभ पंत्स जर्नी, द टर्न ही हैज गॉन थ्रू इज नॉट इजी फॉर एनी प्लेयर, इवन इफ ही इज इन अ वेरी गुड आईपीएल, आई डोंट थिंक द टीम विल बी थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन। बिल्कुल, मुझे जहीर खान के साथ साथ जो फारूक इंजीनियर का स्टेटमेंट था वो भी याद आता है। वो भी यही कह रहे थे कि आई एम अनश्योर अबाउट कि पंत जब कमबैक करेंगे तो विकेट कीपिंग स्किल्स उनकी कितनी अच्छी रहेंगी। लेकिन ऋषभ पंत ने खुद कहा था कि मैं रिहैब में यही सोच रहा था कि मैं जाऊँ वहाँ से कितना बेहतर खिलाड़ी बन के टीम इंडिया में वापस आ सकता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत जो है मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो जाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रेशर के बाद, जब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी इंसान झेल रहा है, उसके बावजूद कमबैक करना और इतना शानदार कमबैक करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली जो है मैचेस जीत रही है, जिसकी वजह से ऊपर आ जाती है, और बहुत सारी बड़ी टीम्स हैं आईपीएल की जिसको दिल्ली ने पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल छठे नंबर पर जो है वो दिल्ली नज़र आ रही है, 7 मैच खेले, इसमें 3 जीती है और 4 हारी है। बिल्कुल, और दिल्ली, माफ कीजिएगा, इसके बाद जो है 8वें नंबर पे नजर आते हैं गुजरात टाइटन, 9वें नंबर पर है पंजाब और 10वें नंबर पर है ऑब्वियसली आरसीबी। बिल्कुल, और अगर डीसी की बात करी जाए तो इसके नीचे 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस नजर आ रही है। तो मुझे तो यही लगता है कि ऋषभ पंत अपनी टीम को लेकर बहुत आगे और बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में खबरें आई थी और ऐसा टीम में देखने को भी मिला कि मान जो है वो जा चुके हैं वापस, उनकी इंजरी हुई है, और वार्नर जो है वो भी नहीं खेलेंगे क्योंकि वो उनको भी जो है इंजरी हुई है। तो सोचिए, ऐसे 2 बड़े प्लेयर्स जो है वो टीम में शामिल नहीं है, उसके बावजूद टीम जीत रही है, कमाल कर रही है। तो आप सोच लीजिए खुद ही कि जब ऐसे प्लेयर्स टीम में शामिल हो या हो जाएं तो क्या होगा टीम का। बिल्कुल, मैग्रुप की हम बात करें, वो भी नए खिलाड़ी हैं। ट्रिस्टन स्टब्स भी आईपीएल में अपना पहला साल है, मतलब कुछ ही मैच खेले हैं, तो ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो ओवरसीज हैं। लेकिन पंत इनसे अच्छा परफॉर्मेंस ले पा रहे हैं। और जहां तक गुजरात टाइटंस वाले मैच की बात है, 89 यानी कि सिर्फ 89 रन पर ऑल आउट हो गई थी, और फिर नेट रन रेट करने का, अच्छा करने का मौका था पंत के पास, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि 89 रन्स, तो आप ये सोचिए कि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में अगर कोई टीम सिर्फ और सिर्फ 89 रन्स बना के ऑल आउट हो जाती है, तो आप खुद ही सोच लीजिए उनकी बैटिंग कंडीशन किस हाल की होगी। और यहाँ पे दिल्ली ने बहुत ही आसानी से चेस कर लिया, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत यहाँ पे पड़ी हो। बिल्कुल, 8.5 ओवर्स में दिल्ली ने जो है वो ये टारगेट अचीव कर लिया, और इस मैच में ऋषभ पंत ने 2 स्टंपिंग की 16 रन बनाए, और इस वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला था। अब पंत के अलावा 2 ऐसे विकेट कीपर और हैं जिन्हें रिजर्व के तौर पर चुना जा सकता है। बिल्कुल, और वो है केएल राहुल और दिनेश कार्तिक। सबसे बड़ी बात यह है कि प्लेइंग 15 में ये शामिल हो सकते हैं, इनके पूरे चांसेस हैं। प्लेइंग 11 में कौन रहेगा इसके बारे में चर्चाएं जो भी होती रहेंगी वो हम आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये कंटेंडर बन चुके हैं ऋषभ पंत, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। दिल्ली के अब अगले मैच कौन कौन से हैं, कहां कहां पर, फटाफट बात कर लेते हैं। दिल्ली जो है वो अगला मैच खेलेगी सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 20 अप्रैल को, फिर दिल्ली मुंबई के खिलाफ खेलेगी 24 अप्रैल को। बिल्कुल, और यहां पे उसके बाद केकेआर से भिड़ती हुई नजर आएगी 29 अप्रैल को, 7 अप्रैल को भिड़ने वाली है राजस्थान रॉयल्स से, माफ कीजिएगा 7 मई को भिड़ने वाली है, 12 मई को देखेगी आरसीबी के साथ, और उसके बाद 14 मई को लखनऊ के साथ।
तो दो तीन मैच ऐसे हैं जहां पर ये मानकर दिल्ली चल सकती है कि हम बैंगलोर के खिलाफ तो मैच जीत ही जाएंगे, बाकी मुंबई और हैदराबाद, इसके संग संग लखनऊ, ये तगड़े मुकाबले हो सकते हैं। अब ज़हीर खान ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो पिक हो सकते हैं, वो मान रहे हैं कि सिराज, जिनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, वो जसप्रीत बुमराह के साथ जो है वो ओपनिंग करते हुए बॉलिंग में नजर आ सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मेन कंसर्न ही टीम इंडिया का बॉलिंग को लेकर था, क्योंकि बैटिंग में तो बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं लेकिन बैटिंग को लेकर अभी भी सवाल खड़े होते हैं। तो उनका यही कहना है कि सिराज और बुमराह जो है, बुमराह के तो बहुत ऑब्वियस रीजन हो जाते हैं, वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, आईपीएल की बात कर लीजिए, अभी आईपीएल में पर्पल कैप लेकर बैठे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बुमराह को लेकर तो कोई सवाल ही नहीं होता कि इनका सिलेक्शन होना चाहिए या नहीं, ये पहले से ही टीम में शामिल है। बिल्कुल, 7 मैच में जो है वो अभी फिलहाल 13 विकेट ले चले हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत की जहां तक बात है, ज़हीर खान, अंबाती रायडू, दो तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जो यूटर्न ले चुके हैं, क्या और ऐसे हमें लेजेंड्स देखने को मिलेंगे जो ऋषभ पंत को लेकर पहले कुछ कह रहे थे अब कुछ कह रहे थे, और बाकी आप क्या कहना चाहते हैं आप भी कमेंट करके बता सकते हैं।